आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन एवं श्रवण से समस्त दुखों का नाश होता है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समर पार्क कॉलोनी निपानिया प्रवासी संघ द्वारा उज्जैन से पधारे आचार्य अर्जुन गौतम जी महाराज के मुखारवंद से समर पार्क कॉलोनी उद्यान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमती मंजीत कीर्तिराज सिंह मिटावल ने बताया कि समाज कल्याण की भावना से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। आज श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के पूर्व आचार्य अर्जुन गौतम जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल मंगल कलश यात्रा निकली। कलश यात्रा में मातृशक्ति शीश पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। वहीं कथा आयोजक श्रीमद् भागवत को शीश पर धारण किए हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में उत्साह से सराबोर युवा एवं मातृशक्ति भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा संपूर्ण समर पार्क कॉलोनी व आसपास की कॉलोनियों का भ्रमण करते हुए पुनः कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर श्रीमद् भागवत की आरती के साथ कथा का समापन हुआ। मंजीत सिंह मिटावल ने बताया कि 29 फरवरी को कथा समापन के साथ महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। यहाँ पर प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों की कथा की जीवंत प्रस्तुति भी दी जाएगी। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पापी से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी से है तारती। दौर में समर पार्क कॉलोनी में आज श्री राम मंदिर प्रांगण से मंगल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। भव रोग की औषधि ये भागवत कथा, भव सागर से तारने का काम करती भागवत कथा, और इसका उद्देश्य सर्वजन का कल्याण, सर्वजन के हिताय से और सामाजिक समरसता के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। आज दिनांक 23 फरवरी रविवार से 29 फरवरी शनिवार तक समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नित्य प्रतिदिन चलेगी।